बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मैंने शर्ट तैयार की है 13 से 14 साल की बच्ची की। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ मैंने किस तरह से की है। ये मैंने दो पीस लिए, ये मैंने दो पीस लिए हैं। इनसे मैं इस कपड़े पर डिजाइनिंग करूंगी और 12 से 13 साल की बच्ची की शर्ट बनाऊंगी। ये ढाई गाज का पीस है लॉन का, इससे मैं शर्ट बनाऊंगी। पहले मैं इसे बैक साइड के लिए पीस निकाल लूंगी। मैंने बैक साइड के लिए पीस निकाल लिए, चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी। ये वाला पीस इसकी साइड से निकाल लिए। लंबाई मैंने इसकी लिया 33 इंच। डबल मैंने फोल्ड किया हुआ है इसे। 14 इंच चौड़ाई ली है इसकी। इस पीस से जो पीस निकाला था, इस पीस पे मैं ये फ्रंट साइड के दरमियान में डालूंगी। इस पीस पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी एक एक पैर की। इस तरह से दरमियान से 1.5 इंच छोड़ के, फिर इस साइड की दरमियान से 1.5 इंच छोड़ के मैं इस पे निशान लगाकर दिखाती हूँ आपको। इस कपड़े की लंबाई 33 इंच है, चौड़ाई 10 इंच। ये निशान मैंने 7 इंच पे लगाया और इस तरह से पीछे लाइन ड्रा की है इस नोक तक। दरमियान से 1.5 इंच छोड़ के दूसरी लाइन ड्रा की है। उसके बाद यहाँ से 14 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा की है। इसी तरह से सारी लाइनें मैंने ड्रा कर ली है। इस पे एक एक पैर की सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इस पीस की कटाई कर लूंगी साइड से। टोटल चौड़ाई मैंने 9 इंच रखनी है इसकी। अब मैं इस पीस की दरमियान से कटाई कर लूंगी। अब इसके दरमियान में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करूंगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसे दरमियान में सिलाई लगा लूंगी और इसके ऊपर जो है ना 1.5 इंच चौड़ी पट्टी दे के अटैच कर दूंगी। अब मैं बैक साइड की कटाई कर लूंगी। बैक साइड बिल्कुल ही सिंपल रख ली है मैंने। 7 इंच चौड़ाई रखी है मैंने तीरे की। कंधे की लंबाई भी 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 9.5 इंच। आधा इंच मैं इजाफी लूंगी सिलाई के लिए। 9 इंच चौड़ाई है इसकी। कमर की चौड़ाई 8 इंच। अब यहां पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी। आधा इंच ऊपर भी तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। गले की चौड़ाई 2 इंच, लंबाई भी 2 इंच। अब पहले कटाई कर लेती हूँ गले की।
नीचे से 3 इंच यहाँ से 3 इंच रख के गुलाई में कटाई कर दूंगी। ये दोनों पीस मैंने अटैच कर दिए। इस पीस की चौड़ाई 4.5 इंच है। ये वाला पीस मैंने लिया 10 इंच। अब इसको इस तरह के ऊपर इस तरह से रख के कटाई कर लूंगी। इसके नीचे जो पीस लगाना है ये वाला पीस इसके नीचे लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरह से तो बैक साइड को ऊपर रख लूंगी नाप के लिए। इसके साथ साथ निशान लगा लूंगी। अब बैक साइड के पीस को उतार लूंगी और फ्रंट साइड के कंधे की ओर गहराई कर लूंगी इस तरह से। कटाई मैंने कर ली है। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया हुआ, इससे मैं यहाँ पे चोटी डालूंगी इस तरह से फ्रंट साइड पे। अब मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। इस पीस को मैं गले पे अटैच कर लूंगी। इस पीस को मैंने डबल फोल्ड किया, नीचे से मैं इजाफी पीस उतार लूंगी और गले पे अटैच करूंगी। इस पीस को साथ रख के कटाई करूंगी। चौड़ाई का निशान 2 इंच पे मैंने लगाया। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। लंबाई 4.5 इंच। सिलाई के बाद 4 इंच रह जाएगा। अब इस पर कटाई कर लूंगी। अब यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी। इसके दरमियान में मैंने कट रखना है 1.5 इंच का और नीचे मैंने पहले पीस अटैच करना है, उसके बाद ये गला ऊपर अटैच करूँगी। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के पहले ये पट्टी अटैच करूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर दूंगी। नीचे साइडों पे सिलाइयाँ लगा लूंगी। दरमियान में मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कटाई की थी वो अटैच की है। साइडों पे मैंने 1-1 इंच चौड़ी पट्टी जो है जिस सिलाइयाँ जो मैंने लगाई थी उनके ऊपर अटैच कर दी है।
नीचे मैंने जो पट्टी लगानी थी वो भी लगा दी है। ये सिंपल ही काम था इसलिए मैंने तैयार कर दिया इसे। और नीचे चूंटे डाल के कपड़े पे जो चूंटे डाल के लगानी थी कपड़ा अटैच करना था वो भी मैंने कर दिया। अब मैंने गले पे एक साइड पे पट्टी अटैच कर दी है इस तरह से। यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह से अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इस पट्टी को फ्रंट साइड पे मोड़ के नीचे वाली पट्टी को सुई से अटैच कर दूँगी। इसे इस तरह से मोड़ते हुए इस पर भी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और दूसरी साइड पे भी ये पीस जो है मैं इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। बटन भी ये मैंने अटैच कर दिए। एक बटन यहाँ पे अटैच किया ताकि गला पहनने में आसानी रहे। सारी कमीज़ पे मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है जहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी। और यहाँ पे भी मैं करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से की है। बारीक धागा लिया मैंने पश्चिम का। इसी तरह से मैंने सारी शर्ट पे डिज़ाइनिंग कर दी है। अगर आपको पसंद आए तो उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाजू मैंने सिंपल ही तैयार की है। फ्रंट साइड पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी अटैच की है। नीचे जो मैंने जोंस वाला कपड़ा अटैच किया था उसकी भी मैंने गुलाई कर दी थी। गुलाई करने के बाद सिलाई लगा दी थी।